हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ। सामने आप देख रहे हैं मेरे क्रेटा का एस वेरिएंट। तो गाइस, अभी मैं आपको अगर दिखाऊं, ये अपने सामने खड़ा है क्रेटा का एस वेरिएंट, जिसमें आपको मिल जाते हैं 16 इंच के अलॉय व्हील्स। तो यार, इसके अंदर मैंने अपग्रेड करवा के अपने टॉप मॉडल के 17 इंचेस लगवा रखे हैं। तो अगर आप क्रेटा का एस वेरिएंट खरीदते हैं आज की रेट में, तो आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। एंड वही गाइज, अगर आप इसका SX वेरिएंट या SX ऑप्शनल वेरिएंट लेते हैं, तो उसमें आपको ये वाले डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि है 17 इंचेस के। तो गाइज, अभी मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, उसका एक रीजन है। उसके लिए मेरे को आपको लेके चलना पड़ेगा पीछे कार के बूट की तरफ। गाइज, ये हम आ चुके हैं अपने कार के बूट की तरफ। एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मेरे को ये 2-3 दिन पहले अपना व्हील यूज करना पड़ा था, स्पेयर व्हील। और अगर आप इसकी प्रोफाइल देख पा रहे हैं, ये है 16 इंच का 205/65। अब गाइज, बात क्या है, मैंने जब ये अपना व्हील यूज़ करा अपने कार में, मेरे को 1-2 किलोमीटर इसको चलाना पड़ गया था। मैंने यूज़ करा एंड मैंने एक बार नोटिस करी यार, कि जो हमारा बेस से लेके एस वेरिएंट तक आता है, उसमें आपको मिलते हैं 16 इंच के टायर, और स्पेयर व्हील भी 16 इंच का आता है, बिल्कुल सेम टायर। कोई उसके अंदर चेंज नहीं होता, कोई प्रोफाइल चेंज नहीं होती, बस अलॉय और स्टील का फ़र्क होता है। बट यार, वही हम अगर टॉप मॉडल में जाते हैं, तो क्यों हमें 17 इंच और वहाँ पर 16 इंच मिलता है, जो कि हम ज़्यादा देर यूज़ भी नहीं कर सकते अपनी गाड़ी में, कोई क्यों यूज़ करेगा, ऑब्वियसली। तो गाइज, यही रिसर्च करने हैं, मैं पहुंचा यूट्यूब पे। यूट्यूब पे मैंने देखे कुछ वीडियोस और उनके मैंने पढ़े कमेंट्स। तो गाइज, लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे ये समझ में आया कि टोटल 3 रीज़न हो सकते हैं, जिस वजह से आपको ये 17 इंच मिल रहा है और पीछे मिल रहे हैं 16 इंच का स्पेयर व्हील। तो पहला रीज़न, ह्यूंडई जान के हमको 16 इंच व्हील दे रही है, ताकि हम स्पेयर व्हील को ज़्यादा यूज़ कर ही ना पाएं, अपना फटाफट ये जो व्हील है मेन व्हील ठीक कराएं, और उसके बाद अपना स्पेयर वापस डिक्की में डाल दें। दूसरा रीज़न, ये जो व्हील है ये शायद पीछे फिट ही ना आए। तीसरा रीज़न, ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग। तो यार देखो, पहला और तीसरा रीज़न को तो मैं वैलिडेट नहीं कर सकता, वो तो कंपनी जाती है कि उन्होंने क्यों किया है, बट एटलीस्ट जो दूसरा रीज़न मैंने दिया है, हम उसको तो वैलिडेट कर ही सकते हैं। तो गाइस, आज अपनी वीडियो इसी बात पर रहने वाली है। मैं अभी निकालता हूँ गाड़ी का पाना, एंड हम चेक करते हैं कि यार, ये जो 17 इंच का व्हील है, ये गाड़ी में फिट आता भी है या नहीं। अपने को पता चल जाएगा कि हुंडई ने एक्चुअली इस रीज़न की वजह से हमको 16 इंच का स्पेयर व्हील दिया टॉप मॉडल्स में, या फिर कोई और रीज़न है जो सिर्फ उनको ही पता है। तो सीधा चलते हैं अब गाड़ी को गैरेज में लेके। मैं इसका खोलता हूँ ये व्हील, एंड ट्राई करते हैं इसको अंदर फिट करने का, देखते हैं आता है नहीं आता है। तो गाइज, आई होप आपको ये शॉर्ट्स पसंद आएंगे। मैंने अपना ये व्हील खोल लिया है, एंड साथ ही अपना स्पेयर व्हील भी बाहर निकाल लिया है। अब दोनों को मैंने साइड बाय साइड जान के रखा है, आपको दिखाने के लिए कि दोनों में एक्चुअली में फ़र्क कितना है, टोटल डिफरेंस। अब यार, कैमरे में तो हार्डली कुछ पता चल रहा होगा कि डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस एक्चुअली बहुत कम है दोनों में। अब फटाफट इसको हम रखते हैं अपने डिक्की में स्पेयर व्हील की जगह पर, एंड देखते हैं कि ये फिट आता है या नहीं आता है अपने बूट में। अब जितने लोगों को भी इंटरेस्ट है क्रेटा के टॉप मॉडल और जो बीच वाले और नीचे वाले मॉडल्स हैं, उनके टायर के डिफरेंस देखने में, तो देख लो कुछ इतना डिफरेंस है। ये सामने वाला 205 है, जो आपके EX और S में आता है, और ये है टॉप मॉडल वाला टायर। अब ये टायर ये वाला नहीं आता है, साइज़ का कंपेरिजन है, नहीं तो ये वैसे आफ्टर मार्केट टायर है। फटाफट इसको मैं लोड करता हूँ पीछे। तो गाइस, ये लो, मैंने फ़िट कर दिया है इसके अंदर 17 इंचेस का। मैंने क्या फ़िट किया है, मैंने बस रखा है, और ये बहुत इजीली फिट आ गया है। आपको दिखाने के लिए मैं देखो साइड से भी दिखा देता हूँ, स्पेस कोई ऐसे नहीं है कि कुछ कम है, देख लो आप जितना होना चाहिए प्रॉपर स्पेस है हर जगह से। यहाँ पर भी आप जैसे ही देख सकते हैं, बॉडी से कुछ नहीं हट रहा है, बिल्कुल अच्छा खासा स्पेस है, और इसको देख के लग भी नहीं रहा है। यहाँ बॉडी और इसके शेप में आप देख सकते हो पैरेलल एक लाइन चल रही है, और यहाँ पर भी आप देख लो बिल्कुल अलाइन हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 17 इंचेस का व्हील फिट नहीं आ सकता, 17 इंचेस का व्हील फिट भी आ सकता है इसके अंदर। तो ये हुंडई पे है। अब ये रीज़न तो बिल्कुल माइनस हो चुका है कि ये जो व्हील है 17 इंचेस का, ये स्पेयर व्हील की जगह फिट नहीं आ सकता। तो अब 17 इंचेस का इसके अंदर क्यों नहीं स्पेयर व्हील मिला है, वो अब हुंडई जानता है, क्योंकि ये रीज़न तो नहीं है कि यहाँ पर स्पेस नहीं है, स्पेस पूरी है, आपके सामने मैंने दिखा दिया। अगर और कोई रीज़न आपके हिसाब से है, या कोई हुंडई का बंदा देख रहा है, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। अभी इसको मैं लॉक करके भी आपको दिखा देता हूँ, और इसके ऊपर हम ट्रे रख देते हैं ताकि वो चीज़ भी माइनस हो जाए।
तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये ट्रे भी यहाँ पर रख दी है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसका ये देख लो लॉक भी बिल्कुल इजीली फिट हो गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और देख लो ये बंद भी बहुत इजीली हो रहा है आप जैसे कि देख सकते हैं। तो गाइज ये था मेरी तरफ से एक वीडियो जहाँ पे मैंने देखा कि स्पेयर व्हील 16 इंचेस का यहाँ पे मजबूरी में दिया हुआ है या फिर कोई और रीज़न। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, ये मेरी तरफ से कोई एलिगेशन नहीं है, ये सिर्फ एक मेरा टेस्ट था जो मैंने यहाँ करके आपको YouTube पर दिखा रहा हूँ। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।